हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक मेरा ज्वेलरी से रिलेटेड वीडियो आज का टॉपिक मेरा ज्वेलरी से रिलेटेड है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक ज्वेलरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी डिजाइन शेयर करूंगी, जिससे आप लोगों को आर्टिफिशियल ट्रेंडी आर्टिफिशियल ज्वेलरी के कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे। और मैं हर मतलब कुछ वीडियोस के बाद आर्टिफिशियल ज्वेलरीज आइडियाज आप लोगों से शेयर करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगता होगा। प्लीज़ ये वीडियो मेरा अगर अच्छा लग जाए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेक श्योर कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जो वीडियोज़ लेकर आऊँगी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोग के लिए यूजफुल हो। सो आज का टॉपिक मेरा है आर्टिफिशियल ज्वेलरी से रिलेटेड। सो मैं उस आर्टिफिशियल डिज़ाइन को आपसे शेयर करती हूँ और दिखाती हूँ आपको ट्रेंडी आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो इस टाइम काफी ट्रेंड में है, काफी मतलब पॉपुलर है। इस टाइम इस टाइप की ज्वेलरीज मार्केट में काफी मतलब मिल रही हैं जो काफी ट्रेंडी है इस टाइम। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों से अपनी ज्वेलरी डिजाइन दिखाती हूँ। ये है इस टाइप की पैकिंग मुझे मिली थी, इस टाइप का बॉक्स मुझे मिला था इस ज्वेलरी के साथ। अब इसकी अंदर की पैकिंग आपसे दिखाती हूँ कैसी मिली मुझे। इस तरह से ये मुझे मिला सेट। अब मैं आपको उसको खोल के दिखाती हूँ। तो ये है मेरा आर्टिफिस, फंस गया पता नहीं कहाँ। ये है ये इसका डिजाइन है और इस टाइप से इसका पूरा लुक है। आप देखिए कितना ऑसम है, कितना प्रीटी है। पहनने के बाद बहुत प्यारा लुक देता है, रियली बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं इसे गई मार्केट में लेने के लिए ना, रियली मुझे इतना पसंद आया है। मैं आप इसको नज़दीक से देखिए, स्टोन इसके कितने बड़े बड़े और कितने अच्छे और कितने शाइनी हैं। रियली मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने इसके स्टोन की जो क्वालिटी है ना उसको देख के ही मैंने ये सेट लिया था। इतना शाइनी शाइनी टाइप से इतने बड़े बड़े स्टोन इसमें लगे थे ना, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने जैसे ही देखा बस मैंने तुरंत इसे ले लिया। और इसको मैंने होली में पहना था। ये होली में रियली मेरी एक साड़ी, मैंने एक साड़ी ली जिसमें सितारे लगे हुए थे सिल्वर कलर में, जो टाइम फिर से ट्रेंडी सितारे फिर से ट्रेंड में आ गए हैं साड़ियों में। मतलब बहुत सारी साड़ियां, लहंगे, सूट, ये सब सितारों वाले फिर से मार्केट में आ गए हैं। होली में इस टाइप की साड़ियां बहुत ज्यादा मार्केट में मिल रही थी, तो मेरी साड़ी में भी सिल्वर सीक्वेंस लगे हुए थे। तो मैंने सोचा कि मेरी साड़ियों से सिल्वर स्टोन में अगर मैं ज्वेलरी लेती हूँ आर्टिफिशियल, तो मेरी साड़ी से पूरा मैच जाएगा। तो इसलिए मैंने ये ज्वेलरी ली। मुझे मैंने जैसे ही देखा, मुझे सच्ची बता रही हूँ, एक नज़र पसंद आ गया, मैंने तुरंत इसे लिया। और मैंने जो मतलब इसको सिल्वर सीक्वेंस वाली साड़ी के साथ वेयर किया था होली के दिन, मैं उसकी फोटोज लगा दूंगी। आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि सिल्वर सीक्वेंस की साड़ी के साथ ये ज्वेलरी कैसे कैसा लुक दे रहा था। इससे आपको ये भी आइडिया मिल जाएगा। तो पहले मैं आपको और नजदीक से दिखाती हूँ इसके स्टोन। आप देखिए कितना अच्छा मतलब ये दे रहा है। इसका जो ये पहले स्टोन है ना ओवल शेप में, ये बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। और इसी शेप में इसकी इयरिंग भी मिली है, छोटू सा क्यूट सा इयरिंग मिला है। ये जरूरी नहीं है कि इयरिंग हमेशा खूब हैवी रहे, खूब बड़ा रहे तो ही अच्छा लगेगा। ऐसे सिंपल से भी इयरिंग कभी कभी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मतलब गॉर्जियस लुक देते हैं। तो मैं आपसे बताऊं, पहनने के बाद ये काफी गुड लुकिंग लग रहा था। मैं इसकी फोटो लगा दूंगी, ताकि मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं फोटो जरूर लगा दूंगी ताकि आप लोग देख सको कि मतलब कितना ऑसम लुक दे रहा था। मतलब रियली कितना प्रीटी लग रहा था ये। मतलब नेक में भी इसका काफी अच्छा लुक आ रहा था, इयरिंग भी इसका काफी अच्छा लुक दे रहा था। तो मैं आपको पहले इसकी इयरिंग दिखा दूं। छोटू सा इयरिंग है बट मुझे सच्ची बता रही हूँ सीरियसली, इयरिंग भी मुझे इसका बहुत अच्छा लगा। ये इयरिंग है इसका, ये इयरिंग है इसका, कितना प्यारा है ना, मुझे तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने इसको लिया था। अब मैं आपको फोटो जरूर लगा दूंगी ताकि आप लोग देख सके, मैं अगेन बोल रही हूँ उस चीज को। और ये वीडियो मेरा अगर अच्छा लग जाए तो प्लीज लाइक कर देना। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसी यूजफुल वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आया करूंगी और इस उम्मीद के साथ अपनी वीडियो बनाती हूँ कि मेरा वीडियो जरूर आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं से भी मेरा वीडियो यूजफुल लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप। और अगर आपके रिलेशन में मतलब अगर क्या ऑब्वियसली आपके रिलेशन में भी गर्ल्स वुमेन्स होंगी तो वीडियो मेरा जरूर शेयर कर दीजिए उनसे, कि उन्हें भी ट्रेंडी आर्टिफिशियल ज्वेलरीज के आइडियाज मिलते रहेंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो, अगर नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।